एक कहानी जो सोच बदल दे। ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहते हैं कि भगवान ने मुझे परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख ले, फिर कहना कि परेशानी तेरे लक्ष्य को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि तू अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों को छिपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाने से या उस रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही हो। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोथली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाया था। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे, और उन सिक्कों को या उन सिक्के के साथ राजा का एक संदेश भी था जिसमें यह लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं तो कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकालने के लिए कि, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे होते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियां से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करके कोशिश करने की कोशिश करो। जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हारा निर्धारित करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो YouTube पर देख रहे हो ना, अगर इस वीडियो के द्वारा तुम्हारे अंदर की थोड़ी सी भी चिंगारी भड़क उठी है ना, तो सब्सक्राइब करने से कतई ना घबराना। या इससे अगर तुम Facebook पेज पर देख रहे हो तो इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज के इस भागदौड़ की दुनिया में हर एक इंसान को मोटिवेशनल किस्सा जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।